सो आज गाइज हम आ चुके हैं सागर फोर्ट के अंदर, सोनीपत के अंदर। सो गाइज आज यहाँ पे आने का सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि सिंस गाइज आपने सुना है कि फोर्ट अभी डिसकंटिन्यू हो चुका है, अपने ऑपरेशंस को क्लोज करने वाला इंडिया के अंदर। सो गाइज आज हम सारी गाड़ियों को देखते हैं, एंडेवर या जो भी इनका स्टॉक अभी बचा हुआ है अभी करंटली यहाँ पे फोर्ट के शोरूम के अंदर, आज इनसे बात करते हैं क्या कुछ डिस्काउंट हमें एज एन कस्टमर ही ऑफर करते हैं जब हम कार को परचेज करने जाते हैं। क्योंकि गाइज सभी फोर्ड के जितने डीलरशिप अपने स्टॉक को क्लियर कर रहे हैं अभी, हम आशा करते हैं कि गाइस मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट हमें हर कार पे मिले। तो उसी के रिगार्डिंग गाइस नितिश भाई हमारे साथ यहाँ पे हैं, तो आज उनसे बात करते हैं और क्या कुछ हमें ऑन रोड पे हमें जो डिस्काउंट ऑफर करते हैं सारी रिलेटेड बात कर लेते हैं। हेलो नितिश भाई, कैसे हैं आप? सो ये हमारे नितिश भाई फोर्ड सागर फोर्ड के अंदर बैठते हैं और आज ये मैसेज करेंगे कि कैसे कुछ डिस्काउंट आपको हर कार के ऊपर मिलता है। एंडेवर है हमारे पास, इको स्पोर्ट, सारी गाड़ियाँ हैं। सबसे पहले इससे बात कर लेते हैं भाई, क्या प्रोफाइल है कार की और मतलब कौन सा वेरिएंट और कितना कुछ डिस्काउंट आपको पहले पड़ता था और अब कितना पड़ रहा है? 4x2 टाइटेनियम प्लस टॉप एंड वाला ना? हाँ जी। पहले आई थिंक कितना पड़ता था ये पहले पड़ता था सर आपको 39,43,000 ऑन रोड प्राइस की बात कर रहे हैं। ऑन रोड प्राइस ये था आपका। ओके गाइस, काफ़ी बढ़िया कार है, कितना कुछ डिस्काउंट आप हमें बताओगे ऑन रोड के ऊपर, मतलब कितना तक? हाल में जो ऑन रोड पर चल रहा है सर वो ये मान लो आपको 1.25 लाख के अराउंड चल रहा है। 1.25 लाख के आसपास? ओके ठीक है, तो अगर कोई कस्टमर आता है तो उसको आप स्ट्रेट अवे डिस्काउंट दे दोगे 1.25 लाख रुपए तक का? अगर 39,43 तो कितने का पड़ेगा फिर माइनस करके, मतलब फाइनल जिसका आप देखते हैं कैलकुलेशन करके, तो उसके हिसाब से 37.5 या 38 के आसपास, 38 के अराउंड, मतलब ऑन रोड प्राइस पे आप कम कर दो बेसिकली। ओके, तो इसके अंदर कोई ऐसा कुछ है कि आपको मतलब डिफरेंट वेरिएंट, मतलब ऐसे कोई छोटा वाला वेरिएंट है तो उसके अंदर कुछ ज़्यादा डिस्काउंट है, ऐसा कोई स्पेसिफिक वेरिएंट? ऐसा कोई स्पेसिफिक वो नहीं है कि छोटे वेरिएंट पे ज़्यादा है, बड़े वेरिएंट पे कम है। अच्छा, 1 से 1.5 लाख के आसपास जो आपने डिस्काउंट बताया वो हर गाड़ी पर है? ओके, तो ये जो डिस्काउंट है भाई, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि हर मतलब हर डीलरशिप पे है या अपने एक पर्सनल डीलरशिप के आप बता रहे हो कि लगभग जो इनके ऑनर है उन्होंने ऑफर करके, पूरे अक्रॉस इंडिया के अंदर है? सर अक्रॉस इंडिया कोई फोर्ड की तरफ से तो ऐसा ऑफिशियल कोई ऐसा ऑफिशियल आया नहीं है। ये है कि हर डीलरशिप अपनी तरफ से बेस्ट कर रही है कि कुछ ना कुछ अपना स्टॉक क्लियर करने के लिए मैक्सिमम कितना डिस्काउंट होगा। सो गाइज अगर आप अपॉर्चुनिटी भी समझेंगे तो ये सही टाइम हो सकता है फोर्ड की किसी भी गाड़ी खरीदने के लिए। तो यहाँ पे तो 1 से 1.5 लाख रुपए का फोर्ड एंडेवर के लिए टाइटेनियम प्लस वर्जन है ना? ये टाइटेनियम प्लस। ओके, तो इसके अंदर मतलब यहाँ पे स्टॉक अवेलेबल है सोनीपत के अंदर और मतलब आसपास के अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो स्टॉक थोड़ा बहुत बचा हुआ आई थी ना, कुछ गाड़ियाँ कुछ गाड़ियाँ बची हुई हैं, एक दो गाड़ी, मतलब हर वेरियंट है टाइटेनियम प्लस या हर वेरियंट तो नहीं, हम मतलब हमारे लोगों को बता दो कौन से वेरियंट हमारे पास। जैसे स्पोर्ट्स वेरियंट खड़ा है बस, ओके इसी का एंडेवर स्पोर्ट्स वेरियंट खड़ा है और एक 4x2 भी खड़ी है व्हाइट में, 4x2 व्हाइट में खड़ी है। तो गाइज ये दो तीन गाड़ियाँ हमारे पास अवेलेबल हैं अभी, तो अगर कोई लेना चाहे तो जरूर मैं भाई का नंबर डाल दूंगा, तो सागर फोर्ड और भाई से आके मिलें सीधा, आप अपना जो है कार की डील फाइनल कर सकते हैं इनसे, क्योंकि काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है भाई, और कौन सी गाड़ियाँ वो बताओ हमें थोड़ा सा। इको स्पोर्ट्स खड़ी है और एस्पायर भी खड़ी है, अभी आप देखे तो एस्पायर खड़ी है, एक एस्पायर खड़ी है दिखा दे भाई, एस्पायर टाइटेनियम मॉडल है ये पेट्रोल में 1.2 लीटर। तो जनता जानना चाहती है भाई कि कितना एस्पायर पे कितना डिस्काउंट मिल जाएगा हमें ऑन रोड प्राइस पे? बता, रोड प्राइस पे आपको 60 to 70,000। तो गाइज फोर्ड एस्पायर के लिए 60 to 70,000 ऑन रोड प्राइस के ऊपर सीधा माइनस हो जाएगा सागर फोर्ड की तरफ से, तो काफ़ी बढ़िया है। बाकी अभी कितने इसका कितना कुछ अपना, जैसे हमने उसकी बात करी कितने इसके वेरिएंट्स हमारे पास अभी करंटली अवेलेबल? एक ही वेरिएंट खड़ा है सर ये हमारे पास, टाइटेनियम सिंगल कार बची, सिंगल कार बची है हमारे पास ये। ओके, तो कौन सा वेरिएंट है ये? ये वेरिएंट है आपको पेट्रोल में टाइटेनियम, टाइटेनियम पेट्रोल, टाइटेनियम पेट्रोल एस्पायर, आई थिंक टॉप एंड है ना मेरे ख्याल में, ये टॉप से नीचे, टॉप से एक नीचे वाला है। तो गाइस इसके अंदर भी आप काफ़ी बेसिक फीचर आपको मिल जाएंगे भाई, एक बार दिखा, ये भी गाइस काफ़ी बढ़िया है इसके, आप देख सकते हैं ये सिंगल कार अवेलेबल है यहाँ पे, ऐसे कुछ इंटीरियर है इसके, बाकी आपको नॉर्मल से आपको इंटीरियर मिलेगा। तो गाइज हमारी आपने एंडेवर देख ली, एस्पायर देख ली, अब नितिश भाई फाइनली हमें गाड़ी दिखा रहे हैं इको स्पोर्ट। तो भाई इको स्पोर्ट पे बताओ कितना डिस्काउंट मैक्सिमम होना चाहिए, आप बताओ कितना? इको स्पोर्ट्स पे ऑन रोड पे मैक्सिमम चल रहा है सर 70 to 80 70 to 80,000 गाइज नेगोशिएबल है वो ऑन, और सारे ही प्राइस इवन नेगोशिएबल है, ऑन टेबल है। नितिश भाई से मुलाकात करें और ये आपको जो बेस्ट बेस्ट आपकी रिक्वायरमेंट और आप जितना जल्दी आते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ऐसा ना हो कि पहले कोई बुक कर ले से, तो आप जितना जल्दी आएंगे तो मैक्सिमम से नितिश भाई आप कर देंगे। तो 80,000 इसके ऊपर बताया इन्होंने, तो ये किसके ऊपर? ऑन रोड प्राइस टोटल जितना भी पड़ेगा। ठीक है, तो इस इको स्पोर्ट जो लवर्स हैं इको स्पोर्ट के और जो इको स्पोर्ट को लेना चाह रहे थे लंबे टाइम से, और अगर आप करंट हिसाब से करंट डिस्काउंट के हिसाब से देखेंगे तो आपको बहुत वैल्यू फॉर मनी अब ये लगने लग जाएगा इको स्पोर्ट वाला। तो नितिश भाई काफ़ी बढ़िया आपने डिस्काउंट कर दिया वैसे तो, बाकी हमें वैसे अच्छा तो लग रहा है कि फोर्ड छोड़ के जा रही है इंडिया से, बट इसकी क्या कुछ प्रोफाइल है, कौन सा वेरिएंट है आपके पास? ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है टाइटेनियम प्लस स्पोर्ट्स पेट्रोल, पेट्रोल टॉप एंड वेरिएंट पेट्रोल टॉप, टाइटेनियम प्लस ऑटोमेटिक, टाइटेनियम प्लस ऑटोमेटिक। ओके,
ये ऑन रोड पड़ता है आपको 13,16,000 रुपए, और उसके ऊपर आपने 80,000 माइनस कर दिए। तो इसकी कितनी इन्वेंट्री हमारे पास अभी करंटली बची हुई है? इन्वेंट्री में तो इको स्पोर्ट्स नहीं है हमारे पास। ओके ओके ओके, आसपास कोई डीलरशिप में? डीलरशिप्स हैं वो हो सकता है दिल्ली में आपको मिल जाए, दिल्ली में मिल जाएगी, पर ट्राई कर लीजिए जो भी। तो हमारे पास इसका अभी यहाँ सिंगल यही पीस अभी बाकी बचा हुआ है, सिंगल यही पीस है। ओके, तो इसका तो गाइज अभी वही गाइज टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना जल्दी आ जाएंगे आप इनमें से कोई भी डील उठा सकते हैं, एटलीस्ट सागर फोर्ड की मैं बात कर सकता हूँ। बाकी तो गाइज आप अपने आसपास आप डीलरशिप जहाँ से भी आप देख रहे हैं उसमें ट्राई कीजिए। इतना एक जो इन्होंने अभी बताया है इतना तो आपको 80 से 1.5 लाख रुपये तक का मल्टीपल गाड़ियों पर डिस्काउंट मिल ही रहा होगा। तो गाइज ऐसा कुछ था फोर्ड का अभी करंट का जो सिनेरियो है। नितेश भाई ने बुलाया था हमें कि बताने के लिए कुछ ऐसे कुछ डिस्काउंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो हम आ गए। भाई नितेश भाई कुछ कहना चाहें तो आप हमारे व्यूअर्स को? तो ये है कि आप जितनी जल्दी आएंगे, जितनी जल्दी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेंगे उतनी जल्दी आपको गाड़ी मिल जाएगी। जैसे कि अभी डिमांड चल रही है, काफ़ी डिमांड आ रही है, एक्चुअली बहुत डिमांड है काफ़ी इस टाइम पे, जो फोर्ड को ले नहीं पा रहे थे ना उस टाइम पे वो काफ़ी देख रहे हैं। जैसी पहले थी उससे काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही है। तो ये है कि जो पहले आ जाते हैं उनको गाड़ी मिल जाती है। अच्छा नितेश भाई, पहले अपने वजह से गाड़ियाँ जब ऐसे अनाउंसमेंट हो गई थी फोर्ड ने ऑफिशियल इंडिया ने, तो अपने उस टाइम कितना स्टॉक था अपने पास और कितना कुछ बिक चुका है उसके बाद? उस टाइम पर हमारे पास अराउंड 20 के अराउंड स्टॉक था के अराउंड गाड़ियाँ थी हमारे पास। अभी हाल में हमारे पास स्टॉक खड़ा है वो है अराउंड मैक्सिमम देखा जाए तो अराउंड 8 to 9 गाड़ियाँ खड़ी हैं। अच्छा 8 से 9 गाड़ियाँ भी आपके पास खड़ी हैं? तो गाइस 8 से 8 सेल आउट हो चुकी है। ओके, तो 20 गाड़ियाँ बिल्ड करा रखी थी और वो यहाँ पे डीलरशिप पे थी हमारे यार्ड में थी, और अभी 7-8 गाड़ियाँ गाइस बची हुई हैं। गाइस आप सोनीपत या दिल्ली एनसीआर के आसपास से देख रहे हैं तो अगर फोर्ड की गाड़ी लेना चाहते हैं तो जरूर गाइस यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं फोर्ड सागर फोर्ड के अंदर। और गाइस कुछ डिटेल्स आप जानना चाहते हैं तो इनका मैं नंबर डाल देता हूँ और ये आप कोशिश कर देंगे उसके रिगार्डिंग। बाकी आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू नितेश भाई, थैंक यू सो मच बताने के लिए। और एक मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे लोग अभी जो करंटली ऑन कर रहे हैं फोर्ड की कार्स को, चाहे उसमें एंडेवर इकोस्पोर्ट कुछ भी हो गई, तो उनका आप क्या एश्योरेंस है फोर्ड की तरफ से कि कैसा कुछ उनका सर्विस का रहेगा इसके बाद जब आप एग्जिट कर जाओगे यहाँ से? फोर्ड सर्विस का क्या रहेगा? फोर्ड सर्विस चलती रहेंगी सर। जैसे देखा जाए फोर्ड ने मैन्युफैक्चरिंग बंद किया लेकिन रिटेल्स बंद नहीं किया अभी। ओके, फोर्ड बाहर से इंपोर्ट, तो सर्विस का मतलब कोई मुद्दा नहीं है, कोई इशू नहीं आएगा? जो करंटली ऑन कर रहा है वो अपना जो पीरियडिक सर्विस हर साल वाली होती है वो आएगा पीछे से डीलरशिप में जैसे नॉर्मल होती है वो कराता रहेगा। तो हमारा जैसे ये शोरूम तो यहाँ पे ही रहेगी हमारी सर्विस या कुछ और कोई लोकेशन नहीं रहेगी हमारी सर्विस बंद नहीं हो रही है आपको कोई? कितने मतलब 4-5 साल में एटलीस्ट मानू या जब तक गाड़ी रिटेन हो रही है तब तक? जब तक गाड़ी रिटेल हो रही है तब तक तो तब तक कोई मतलब, तो गाइस इसमें आप मतलब बिल्कुल आप यकीन कर सकते हैं फोर्ड वालों की तरफ से कि आपको सर्विस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यूजुअली कह सकते हैं लोग कि भाई शेवरले का जैसे बंद हो गया था, बट फोर्ड कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से इंडिया में थी तो शायद अब इतना जल्दी नहीं होगा। गाड़ी आप देख सकते हैं सर, इसमें काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर आता है, पुश स्टार्ट ऑप्शन के साथ आती है, 10 शिफ्ट ऑटोमेटिक में आपको एंडेवर मिलती है, जिसमें कि आपको 8 इंचज़ की डिस्प्ले मिल जाती है जो कि ऑफलाइन नेविगेशन। तो नितेश भाई ये सिर्फ आखिरी में दिखाने का हमारा मतलब यही था कि इतनी अच्छी गाड़ी गाइस जब इंडियन मार्केट से जाती है तो ना सिर्फ इनको तो बुरा लगता ही है, बट हमें भी थोड़ा लगता है कि यार इतनी सक्सेसफुल कार है और इतने सारे ऑनर्स हैं इसके इंडियन मार्केट में, जो पता नहीं कितने लाखों लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो आई होप अगर फोर्ड अगर थोड़ी देर और सस्टेन करती, थोड़े साल और सस्टेन करती तो अच्छा लगता है, या फिर अच्छे सक्सेसफुली चलती। तो बाकी आज के लिए इतना ही गाइस।